नमस्कार, मैं खुशबू बंसल एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक नया चैप्टर शुरू किया था, कैश फ्लो एनालिसिस। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। तो मैंने बताया था कि कैश फ्लो एनालिसिस के ऊपर लेखा मानक 3 अप्लाई होता है। तो लेखा मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण में जो रोकड़ का आवागमन है, कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज है, उसको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखो, किसी भी संस्था का मेन काम क्या होता है, खरीदना बेचना या बनाकर बेचना। तो इस पूरे प्रोसेस को, जो भी जो दैनिक किसी भी संस्था का काम होता है, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। और उनसे होने वाली जो आय है वो हम सभी जानते हैं, सेल्स और परचेज एक्सपेंडिचर, जो कि हम सिंपली इनकम स्टेटमेंट में जो हम शो करते हैं, तो वो सब बताती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। तो कहीं ना कहीं जो पहली एक्टिविटी है, पुण्य दिया तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो लाभ हानि खाते से संबंधित होती है। दूसरी जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो इसमें हम उन सभी कैश संबंधित ट्रांजेक्शन को लेते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट से संबंधित होते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो है वो असेट से संबंधित है। हम जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम संपत्तियों में करेंगे, स्थायी संपत्तियों में करेंगे, चालू संपत्तियों में करेंगे, तो उसमें संबंधित जो भी परिवर्तन होगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। और तीसरा जो है एक्टिविटीज़ फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कि कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा हम सोर्स करते हैं, फिनेंस करते हैं, वो कहीं ना कहीं उस कंपनी की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को इफेक्ट करता है। शेयर कैपिटल से पैसा रेज करते हैं, लोन लेके करते हैं, तो वो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है वो लायबिलिटी साइड से तैयार होती है। तो इस तरीके से पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होता है। आज हमारे वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। पहले तो परिचालन क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह इस बात के मुख्य दिशा निर्देश है कि उपक्रम ने किस सीमा तक व्यवसाय की संचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए, लाभांश चुकाने के लिए, ऋणों का पुनः भुगतान करने के लिए तथा बिना बाहरी साधनों से वित्त प्राप्त किए नए विनियोग के लिए पर्याप्त मात्रा में रोकड़ प्रवाह उत्पन्न किए हैं। बहुत अच्छी परिभाषा ये दे रखी है। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये बताती है कि जो भी व्यवसाय खर्चे करने वाली है डिविडेंड के रूप में, या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के रूप में, या ऋणों का पुनः भुगतान करने के लिए, या हमें बाहर से कोई पैसा नहीं लेना पड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, तो नए विनियोग करने के लिए, तो वो पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू किस प्रकार से वह रेज कर रही है कैश को। परिचालन क्रियाओं से जो रोकड़ प्रवाह की राशि है, मूल रूप से उपक्रम की आगम उत्पन्न करने वाली मुख्य क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए परिचालन रोकड़ प्रवाह सामान्यतः उन घटनाओं एवं व्यवहारों का परिणाम है जो लाभ हानि के निर्धारण में काम आती है। देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो लाभ हानि खाते से संबंधित होती है। तो ये बात यहाँ पर क्लियरली आ गई है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उन घटनाओं और व्यवहारों का परिणाम होता है जो लाभ हानि के निर्धारण में काम में आती है। तो हमें इनकम भी, जो ऑपरेटिंग इनकम है वह लेनी है, और खर्चे भी कौन से लेने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर लेने हैं। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं कि ऑपरेटिंग इनकम की बात अगर हम करें तो इनकम क्या है, माल के विक्रय से इनकम प्राप्त होती है, सेवा प्रदान करने से जो रोकड़ प्राप्त होती है वो इनकम हो गई, या फिर अदर इनकम भी होती है जैसे कि रॉयल्टी फीस कमीशन या अन्य कोई पर इनकम जो है, यहाँ पर जो कैश मिल रहा है वो रेवेन्यू होना चाहिए। ये जो एक्टिविटी है वो रेवेन्यू इनकम से संबंधित है। कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट के लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो बाकी दो एक्टिविटीज़ है उसमें हम वहाँ पर बात करेंगे। तो ये तो हो गई एक तरीके से कहाँ कहाँ से पैसे का रोकड़ का सोर्स है इस एक्टिविटी के अंदर, और पेमेंट कहाँ कहाँ करना पड़ रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है जैसे माल और सेवाओं के पूर्तिकर्ताओं को हम नगद भुगतान करते हैं, कर्मचारियों को करते हैं,
भुगतान या फिर बीमा उपक्रम की स्थिति में अगर इंश्योरेंस संस्था है तो वह प्रीमियम है, दावों का वार्षिकी अन्य लाभों के संबंध में प्राप्ति, उनके लिए प्राप्ति क्या होती है, प्रीमियम प्राप्ति है, और उसके संबंध में कोई भुगतान कर रहे हैं। इसके अलावा आयकर का कोई भुगतान किया है, वापसी हुई है, तो वो इसी एक्टिविटी में आएगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो हमारे व्यापार के ऑपरेशन से संबंधित रोकड़ अगर प्राप्त होती है तो यहाँ पर आय हो जाएगी, इनफ्लो हो जाएगा, और अगर भुगतान करते हैं तो वो आउटफ्लो के रूप में हम यहाँ पर बताएंगे। कुछ ऐसे व्यवहार भी होते हैं जैसे कि संयंत्र के विक्रय से लाभ या हानि, जिसे हम लाभानि खाते में बताते हैं, लेकिन मैंने बताया कि ये जो लाभ या हानि होती है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगी, वो हमें दूसरी एक्टिविटी में बतानी पड़ेगी। इसके अलावा हमने कोई प्रतिभूतियाँ ले रखी है, उस पर अगर हम कुछ ब्याज वगैरह दे रहे हैं तो वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं है, तो वो दूसरी एक्टिविटी में जाएगी। कुल मिला के इन शॉर्ट मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में उसी कैश इनफ्लो को और उसी कैश आउटफ्लो को लेना है जो व्यापार के ऑपरेशन से संबंधित है, डे टू डे एक्टिविटी से संबंधित है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दे रखा है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं, हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के अनुसार क्या प्रारूप होता है इस एक्टिविटी का, वो हम देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रारूप शुरू हो रहा है। मैंने सिर्फ अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही ले रखा है। तो ए जो हेड होता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये हम डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं। तो हमने डायरेक्ट मेथड में हमें सीधा सीधा चलना है कि जो कैश ऑपरेटिंग इनकम है उन्हें लेना है, उसमें से लेस करना है कैश जो हमने पेड किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, तो वही कर रखा है। अब इनकम कहाँ से होती है, वो कस्टमर से, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर हमने ले लिया, पॉजिटिव में लेना है। उसमें से लेस होगा कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो देखो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में शो कर रखा है, क्योंकि ऊपर वाली जो फिगर है वो इनकम है और ये जो है वो खर्चे हैं, तो इन दोनों को हम, इसको दूसरी वाली मत को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है ऋणात्मक, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करने से कितना कैश जनरेटेड हुआ। इसमें से जब हम इनकम टैक्स को कितना पे किया है इस साल, उसे हम यहाँ पर लेस करेंगे। जो भी चीज़ लेस होगी उसे हम ब्रैकेट में शो करेंगे, नेगेटिव वैल्यू में शो करेंगे। उसके बाद में लेस करने पर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, कोई भी असाधारण खर्चा भी हो सकता है तो उसको घटाने से पहले की कैश फ्लो आ जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी दे रखा है तो उसे भी प्लस माइनस बता रखा है यहाँ पे। प्लस माइनस का मतलब है कि कोई इनकम है तो उसे जोड़ देंगे, खर्चा है तो घटा देंगे, तो उसे करके एडजस्ट यहाँ पर जो आएगा नेट में वो आ जाएगा, ये जो फिगर आएगी वो आएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि के अनुसार कितना कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितना कैश फ्लो हुआ है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हमारे सामने आई थी कि एक तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स कैसे निकालेंगे, दूसरा कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ कैसे निकालेंगे। तो ये कैसे चीज़ें निकालते हैं, इनकम टैक्स पेड कैसे फाइंड आउट होगा, तो वो सब निकालने के भी अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन में अगर कैश सेल्स दे रखी है तो वो भी ले लेंगे, और क्रेडिट सेल्स ले रखी है तो वो भी ले लेंगे, दोनों तरह के विक्रय ले लेंगे। उसके बाद में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें डेटर्स और बीआर का। तो जो ओपनिंग बिगिनिंग ओपनिंग डेटर्स और बीआर मतलब ट्रेड रिसीवेबल को हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे टोटल सेल्स में, और जो क्लोजिंग जो डेटर्स और बीआर है उसको हम क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे, लेस कर देंगे एट द एंड। तो जो फिगर आएगी वो आएगी कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। मैं वापस से बता रही हूँ, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकालने के लिए हम टोटल सेल्स लेंगे, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, उसमें से जो ओपनिंग डेटर्स और बीआर है उन्हें जोड़ेंगे और क्लोजिंग डेटर्स और बीआर को हम घटाएंगे, तो पूरे साल में कितना कस्टमर से कैश प्राप्त हुआ है वो पता लग जाएगा।
दूसरा जो हमने वहाँ देखा था वो था कि क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज़ को हमने कितना कैश पेड किया है, तो वह निकालने के लिए भी हमें यहाँ पर दे रखा है कि सबसे पहले हम लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहाँ पर लिख रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से फाइंड आउट हो जाती है। उसमें हम और भी दूसरे जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो भी ले लेंगे। सारे खर्चे ले लिए, हमें पता है कि ज़रूरी है कि सारे खर्चे कैश में भुगतान कर दिए गए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ खर्चे आउटस्टैंडिंग भी हो सकते हैं, कुछ खर्चे एडवांस में पेमेंट किए हुए भी हो सकते हैं, तो उनका हमें एडजस्टमेंट इसमें से करना पड़ेगा। हमें ये निकालना पड़ेगा कि इन खर्चों में से कैश में कितना खर्चा भुगतान किया गया है। तो इसके लिए ही हमें कुछ समायोजन यहाँ पे प्रीपेड आउटस्टैंडिंग स्टॉक का, क्रेडिटर्स बीपी का करना पड़ेगा, जैसे कि हमने ऊपर भी किया था। तो सीधी सी बात है कि जो भी पहले हम स्टॉक की बात कर लेते हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर है क्वेश्चन के अंदर, तो क्लोजिंग स्टॉक को हमें ऐड करना है और ओपनिंग स्टॉक को हमें लेस करना है। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर है तो क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड करना है और ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमें लेस करना है। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों ही असेट्स होती है, तो इसके संबंध में ध्यान रखना कि जो क्लोजिंग के हैं उन्हें ऐड करना है और ओपनिंग के लेस करना है। अब अगर क्रेडिटर्स और बीपी है और आउटस्टैंडिंग खर्चे अगर हैं, तो अगर ओपनिंग है तो उन्हें ऐड करना है, उल्टा हो गया। अब इन दोनों केस में क्योंकि दोनों लायबिलिटीज़ होती है, तो ओपनिंग है तो इन्हें क्या करना है, ऐड करना है, क्लोजिंग अगर है तो लेस करना है। देखो चार चीज़ें यहाँ पे आई है, तो पहले मैं बात कर लेती हूँ प्रीपेड की और आउटस्टैंडिंग की, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे खर्चे ले लिए हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, सारे कैश और नॉन कैश। तो कैश निकालने के लिए हमें खर्चों से संबंधित जो दो मदें होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका समायोजन करना पड़ता है। तो प्रीपेड क्योंकि असेट्स है तो उसका ध्यान रखना है थोड़ा सा दिमाग में कि क्लोजिंग अगर है तो ऐड करना है, ओपनिंग अगर है तो लेस करना है, और आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग है तो ऐड करना है, क्लोजिंग है तो लेस करना है। इसके बाद में हमने यहाँ पर जो माल की लागत है, जैसे हमने परचेज किया, तो ज़रूरी कि सारा का सारा परचेज कैश में किया होगा, ज़रूरी नहीं है, उधार भी होता है। तो उधार क्रय से रेज होते हैं क्रेडिटर्स और बीपी, इसीलिए हमने यहाँ पर कैश परचेज निकालने के लिए क्रेडिटर्स और बीपी का समायोजन किया है। जो माल हमने खरीदा है, ज़रूरी है कि पूरा का पूरा बेचा होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हमने स्टॉक का समायोजन किया है। तो इस तरीके से चारों का समायोजन हम कर लेते हैं तो क्या निकल जाता है, कैश पेड टू सप्लायर्स और एम्प्लॉयज़। तो हमने स्टेटमेंट में देखा था पीछे कि जो कैश फ्रॉम कस्टमर रिसीव हो रहा है वो हम कैसे निकालते हैं, वो हमने देख लिया। कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ कैसे निकालते हैं वो भी हमने देख लिया। दोनों को एडजस्ट करेंगे तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। इसके बाद में क्या है, इनकम टैक्स पेड। अब ये इनकम टैक्स पेड कैसे निकालते हैं इसकी बात हम कर लेते हैं। इनकम टैक्स पेड निकालने के लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स पेड। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस से कितना इनकम टैक्स चार्ज किया है। ज़रूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा हमने कैश पेमेंट कर दिया है, उसमें से कैश पेमेंट कितना किया है, प्रॉफिट एंड लॉस में जितना बता रखा है उसमें से कैश पेमेंट कितना किया है वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें वही कि अगर इनकम टैक्स से संबंधित कोई प्रोविज़न बना रखा है तो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर ओपनिंग अगर है तो उसे ऐड करेंगे और क्लोजिंग अगर है तो उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो निकल जाएगा इनकम टैक्स पेड। ठीक है, तो यहाँ पर आके हम इनकम टैक्स पेड को लेस कर देते हैं तो आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हर इक्वेशन में दे रखा हो, तो अगर इनकम है तो ऐड कर दीजिए, खर्चे है तो लेस कर दीजिए। इस तरीके से नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाता है फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। अब इसे एक क्वेश्चन की सहायता से भी हम देख लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित सूचनाओं से प्रत्यक्ष विधि से परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करनी है, प्रत्यक्ष विधि से और परिचालन क्रियाओं से। इसके लिए हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड,
चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ किए हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये सब देकर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रखा है और प्रोविजन फॉर टैक्स बना रखा है। ठीक है, अतिरिक्त सूचनाएं हमें दे रखी है, डेटर्स और बीआर दे रखे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग क्लोजिंग, इन्वेंट्रीज ओपनिंग क्लोजिंग, ट्रेड पेबल्स ओपनिंग क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, सबके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, उसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, तो वो यहाँ पर नीचे वर्किंग नोट के अंदर आपको बता रखा है। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, सबसे पहले क्या लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, तो वो हमने क्वेश्चन से ले ली। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 5 लाख की दे रखी है। ठीक है, तो 5 लाख की हम ले लेंगे यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें टोटल आ गई, कैश भी आ गई और क्रेडिट सेल्स भी आ गई। अब हमने देखा था कि उसमें हम जो डेटर्स और बीआर के ओपनिंग को ऐड करते हैं, क्लोजिंग को लेस करते हैं, तो डेटर्स और बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है हमें, ओपनिंग 62,000 ऐड कर दिया, क्लोजिंग 70,000 लेस कर दिया, तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 4,92,000 हमको प्राप्त हो गया। तो हमने ऊपर स्टेटमेंट में यहाँ पर 4,92,000 बता दिया। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमें मद लेनी है वो लेनी है कैश पेड कितना किया सप्लायर्स को और एम्प्लॉयज़ को, तो उसके लिए भी हम वर्किंग नोट देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले ली, तो ले लीजिए क्वेश्चन में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज 3 लाख की है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अर्थात कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको पता है कि हमें जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो 3 लाख का मटेरियल परचेज किया और 10,000 का नेगेटिव में स्टॉक का आ रहा है, तो 3 लाख माइनस 10,000 2,90,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर हो गई। इसके बाद में और भी जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको हमें ऐड करना था, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम देख लेते हैं कितने हैं। यहाँ पर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख के यहाँ पर दे रखे हैं, तो इन 1 लाख को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया, तो टोटल अमाउंट कितना बना 3,90,000 का। अब उसमें हमें समायोजन करना है 4 चीज़ों का, इन्वेंट्री का, प्रीपेड का, ट्रेड का, आउटस्टैंडिंग का, इन चारों का हमें क्या करना है, समायोजन करना है, ऐड और लेस करना है। तो इन चारों के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखे हैं, इन्वेंट्री का तो ऊपर दे रखा है यहाँ पे 70,000-80,000, प्रीपेड का यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, इन्वेंट्रीज का यहाँ पर भी दे रखा है वापस से, ट्रेड पेबल्स का भी दे रखा है ना, और आउटस्टैंडिंग का भी दे रखा है। तो इन चारों का ओपनिंग और क्लोजिंग जैसा मैंने बताया है वैसा हमको समायोजन करना है, तो ये समायोजन कर दिया, तो आ गया कैश पेड टू सप्लायर्स 4,02,000, तो वो हमने यहाँ पर आकर 4,02,000 को देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब हमें इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस करने हैं, तो नेट कैश कितना बना 90,000 का। अब इसमें से लेस करना है टैक्स पेड, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जितना टैक्स दे रखा है कितना दे रखा है 15,000 का, तो 15,000 से कैश पेड निकालने के लिए कितना कैश में टैक्स पेड निकाला है, तो 15,000 का सबसे पहले अपन ने यहाँ पर लिया। अब उसमें ओपनिंग टैक्स का जो प्रोविज़न है वो जोड़ना है, क्लोजिंग को घटाना है, तो वो भी हमें सूचना यहाँ पर दे रखी है टैक्स के संबंध में, ये दे रखी है यहाँ पर प्रोविज़न फॉर टैक्स, ओपनिंग है 30,000, क्लोजिंग है 40,000, तो वो हम ले लेंगे 30,000 और 40,000, तो टैक्स पेड कितना आ जाएगा 5,000, तो उस 5,000 को हम यहाँ पर स्टेटमेंट में आके लेस करेंगे, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आ गया 85,000, 85,000 धनात्मक आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या है कि पूरे साल के अंदर कैश में 85,000 की वृद्धि हुई है, अगर यही नेगेटिव में होता इसका मतलब है कि कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो इस प्रकार से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्रत्यक्ष विधि के द्वारा कैसे निकालते हैं वो हमने देखा है इस वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करते हुए बताऊंगी कि अप्रत्यक्ष विधि में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू सो मच।